मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कहता है चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब इलेक्ट्रोस्टैट्स को भी बीच में ले आओ और इस चैप्टर को बीच में ले आओ और देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू करते हैं। वो कहता है कि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। असाइनमेंट के अंदर यहां पर बी वेक्टर नहीं है, ये ई वेक्टर लिख लो, ये ई वेक्टर है। तो ई वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल मान लो सीधा चल रहा था पहले, और इसकी एंट्री हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 है। मतलब चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं, एक रीजन स्टार्ट हो गया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गया। अब जैसी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंट्री मारता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ। कितनी फोर्स लगाएगी, क्यू इंटू ई, ऊपर की तरफ लगाएगी फोर्स, और ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, क्यू ई बाय एम। अब आप ये चाह रहे हैं, आपने तो चार्ज पार्टिकल को सीधा फेंका था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स ऊपर लगाई, अब ये पार्टिकल सीधा भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, और इसका पाथ पता है क्या होगा, पैराबोला। तो पहला रिजल्ट है, जब भी एक चार्ज पार्टिकल, ये क्यों होगा पैराबोला, ये मैं प्रूफ करूंगा, सब प्रूफ करूंगा। अभी रिजल्ट बता रहा हूं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, इस चैप्टर में परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसी चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करता है, तो पाथ फॉलोड हमेशा क्या होगा, पैराबोला। ये रिजल्ट याद रखना है, पहला रिजल्ट क्लियर है। नेक्स्ट, जब एक चार्ज पार्टिकल ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ये देखो जब एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, और वेलोसिटी और बी में एंगल क्या बना हुआ है, 90। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, अभी डिस्कस किया था पाथ फॉलोड क्या करता है, सर्कल। अभी किया था कैसे, क्योंकि इस पे ऊपर क्या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, कितनी, बी क्यू वी साइन 90, और डायरेक्शन क्या होगी, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो फोर्स कहाँ है, ऊपर है। फिर ऐसे यहां पे आओगे, ऐसे आओगे, तो ये फोर्स हमेशा कहां लगेगी, टुवर्ड सेंटर, और क्या प्रोवाइड करेगी इसे, सेंट्रिपेटल। तो पाथ फॉलोड क्या होगा, सर्कल। तो पहला रिजल्ट, ये क्यों कर रहा है इसका प्रूफ ही करेंगे अभी। तो पहला रिजल्ट, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, तो पाथ फॉलोड क्या होगा, पैराबोला। जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो पाथ फॉलोड क्या होगा, सर्कल। दो, तीसरा, जब कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल 90 नहीं है, थीटा है, 90 नहीं है, क्योंकि अगर 90 होता तो पार्टिकल कैसे मूव करता, इन सर्कल। वी और बी में अगर एंगल 90 होता तो पार्टिकल कैसे मूव करता, इन सर्कल, पर यहां पर 90 नहीं है, तो पार्टिकल मूव करेगा इन हेलिकल पाथ, वो गोल भी मूव करेगा और वो आगे भी चलना शुरू हो जाएगा। कैसे करेगा, प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे, इसको बोलते हैं हेलिक्स। तो ये हेलिक्स में मूव करेगा। तो पहला रिजल्ट क्या था, जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो पैराबोला, जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो सर्कल, जब कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी वी और बी में एंगल 90 नहीं बनता, थीटा बनता है, इट मूव्स इन अ हेलिकल पाथ, तो हेलिक्स। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है, जब कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी और बी में एंगल थीटा 90 नहीं है तो हेलिक्स है, अभी किया हमने, बी और वी में हेलिक्स है, एंगल 90 नहीं है, थीटा है, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बी के साथ एंगल थीटा बनाता है, 90 नहीं बनाता, तो हेलिकल पाथ है। लेकिन यहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है राइट की तरफ। अब पिछले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ओनली मैग्नेटिक था, तो ओनली मैग्नेटिक में देखने वाली बात यह है, हेलिकल पाथ में दो रिंग्स में, देख रहे हो, दो चक्करों में डिस्टेंस कॉन्स्टेंट था। लेकिन इस केस में यह पहले कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर और बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, क्यू ई, कहां पर, आगे की तरफ, और क्यू ई एक्सेलरेट फोर्स जो है इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको हेलिक्स में घुमा रहा था बराबर दूरी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसकी स्पीड बढ़ा दी इस तरफ, तो शुरू शुरू में स्पीड कम, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, तो हेलिकल
पाथ बढ़ता जाएगा, दो रिंग्स में डिस्टेंस दूरी बढ़ती जाएगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है. अगर नहीं प्रेजेंट फिर ये स्पेसिंग क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इसकी स्पीड को हॉरिजॉन्टल बढ़ा देगा, जिससे तेज 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 आगे मूव करना शुरू कर देगा. तो रिजल्ट भी क्लियर है. तो पहला रिजल्ट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे एंट्री होगी तो पैराबोला, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है तो सर्कल, अगर वी और बी में एंगल 90 नहीं है तो हेलिकल, अगर वी और बी में एंगल थीटा है तो हेलिकल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो हेलिकल पाथ बढ़ता जाएगा. ये पार्ट अप्रूफ, ये पार्ट आता नहीं है, आता नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसका प्रूफ. बाकी सब प्रूफ हम करेंगे, इसका प्रूफ नहीं करेंगे, पर रिजल्ट याद करेंगे कि अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे पड़ा हुआ था, रेस्ट पे ऐसे रख दिया था, और तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर पैदा कर दिया, ऊपर प्रोड्यूस किया, और ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर है, दोनों फील्ड प्रेजेंट है, तो अगर तुम ये इसको रेस्ट पे रख देंगे तो क्या ये मूव करना शुरू कर देगा अपने आप ही? हाँ या ना? करेगा. क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, इसको उड़ा के ले जाएगा ऊपर. जैसे ही ऊपर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, ये इसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज, क्योंकि वैल्यू तो चेंज कर नहीं पाएगा, डायरेक्शन चेंज. तो जब ई वेक्टर और बी वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो पाथ पता है कैसा बनेगा, ऐसे. इस पाथ को बोलते हैं साइक्लॉयड. ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये पेपर में ना सीबीएसई में, मेंस में, नीट में नहीं आता. लेकिन अगर कोई इसका प्रूफ देखना चाहे, मैं करवाऊंगा नहीं, प्रूफ देखना चाहे, मेरे पास 2 पेज का प्रूफ पड़ा है मैथ्स का, 2 पेज के प्रूफ से प्रूफ हो सकता है, किसी किताब में इसका प्रूफ है भी नहीं वैसे बता दूं तो, मतलब ये आने वाली चीज़ नहीं है. लेकिन एच सी वर्मा के अंदर एक क्वेश्चन है जो हेलिकल साइक्लॉयड के ऊपर बेस्ड है, एक सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए थ्योरी बनाई थी, पर आज तक आई ना कभी भी, तो इसलिए हम इसको करेंगे नहीं, छोड़ देंगे. ये केस के बिना कोई पेपर सेट नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीबीएसई में 100% आएगा, ये मेंस में, नीट में पक्का आएगा, ये आने ही आना है. देखो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें ये किया हुआ है, रादर आपके फॉर्मूला बुकलेट में इसकी एंट्री भी करो, फॉर्मूला बुकलेट में बनाओ. तो फॉर्मूला बुकलेट में बनाओ कि सपोज करो ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, जिसमें ऊपर की प्लेट पॉजिटिव है और नीचे की प्लेट नेगेटिव है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, ऊपर से नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है. कोई डाउट इसमें? बनाते रहो फॉर्मूला बुकलेट में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार यूज होना है ये. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है, अब सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल की एंट्री होती है, ये एक चार्ज पार्टिकल आ रहा था विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, और चार्ज की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, क्यू. मुझे आंसर दें, ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है तो कैसे मूव करेगा चार्ज पार्टिकल? इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है तो चार्ज पार्टिकल पैराबोला, पहला रिजल्ट यही तो किया आज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 90 डिग्री पे है, चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड पे एंट्री मारता है तो पाथ फॉलोड इज पैराबोला. बोलो पैराबोला ऊपर जाएगा कि नीचे बनेगा? नीचे. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव, तो कुछ ऐसा बन सकता है. तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा सकता है, लेकिन ऐसा जा सकता था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ऐसे ही जाता. तुमने क्या किया, इसके रीजन में एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया ये बोर्ड के अंदर. तो यानी कि अब तुम्हारे पास प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तुम्हारे पास प्लेट्स में मैग्नेटिक फील्ड भी है. अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की एंट्री हो रही है और वो भी 90 डिग्री पे, तो इसका पाथ क्या होगा? 90 डिग्री पे एक चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो पाथ फॉलोड क्या होता है? सर्कल. अभी किया था आप, वो डायग्राम के रट्टे नहीं मार सकते कि ऐसा बनेगा, ऐसा ही दिखेगा सर्कल. तो लॉजिक सोचो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे वेलोसिटी भी है तो पैराबोला पहला रिजल्ट है,
और दूसरा रिजल्ट क्या है कि अगर 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के साथ वी वेक्टर 90 डिग्री है तो सर्कल, अब सर्कल किस तरफ, ऊपर के नीचे, फ्लेमिंग का रूल लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बी बोर्ड के अंदर है, वेलोसिटी वेक्टर राइट है तो फोर्स का लगेगी ऊपर, ऊपर है तो इसका सर्कल कैसे बन सकता है, ऊपर ये ऐसे घूमेगा, आपके सामने है बी बोर्ड के अंदर है, वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज राइट है ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड कहती है कि चल चार्ज तेरे को ऊपर ले चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है चल तेरे को नीचे ले चलते हैं। अब जिसमें ज्यादा जोर होगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो वहीं जाएगा, अगर तुमने फील्ड इलेक्ट्रिक ज्यादा लगा दिया तो ये ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगा दिया प्लेट्स के बीच में तो ये ऐसे टच कर जाएगा। लेकिन सोचो तुमने ई और बी ऐसे लगाया कि ऊपर की फोर्स मैग्नेटिक है, कितनी लगेगी, बी क्यू वी साइन 90, और नीचे की इलेक्ट्रोस्टैटिक है कितनी, क्यू इंटू ई। तुमने ई और बी लगाया ही ऐसे कि हर पॉइंट पर ये फोर्स एक दूसरे को क्या कर गई, कैंसल। अब ये कहां जाएगा चार्ज पार्टिकल, अब ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा और चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा का सीधा पास होके सीधा निकल जाएगा, जबकि यहां पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट थे तब भी। तो जब क्वेश्चन आएगा क्या कि कोई चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला गया, डिफ्लेक्शन ही नहीं हुई, तो क्या कंडीशन लगेगी, बी क्यू वी इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, क्यू से क्यू कैंसल, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, E डिवाइडेड बाई बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी न्यूमेरिकल में गिवन होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है पर फिर भी चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गया, तो एक ही फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला, और कंडीशन भी एक ही है, अनडिफ्लेक्टेड के केस में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स आपस में कैंसिल कर रही है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो